हेलो स्टूडेंट वेलकम टू सी बी सी शिक्षा आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सी बी सी शिक्षा में सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू पंकज जी जय माता दी जय महाकाल सबको नमस्ते सत श्रीकाल वालकुम सलाम सो so आज जाओ लाइव फिर स्टार्ट करते गुड आफ्टरनून बलजिंदर हेलो लव वेरी गुड आफ्टरनून सबको मेरी तरफ से सो so आ जाओ लाइव सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो फटाफट फड़ से ताकि हम सेशन को आपके बाकी सभी फ्रेंड्स को मिलती रही नोटिफिकेशन को और जी सत बड़े दिनों के बाद आयो तो फटाफट फड़ से लाइव सब लोग सेशन को लाइक कर दो शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है जो जो बच्चा आ रहा है वो सेशन को साथ के साथ जल्दी से जल्दी लाइक करता रहे फिर स्टार्ट करेंगे आज हमारी इंग्लिश की फिफ्थ क्लास है ठीक है तो आज प्रैक्टिस सेशन जो हमारा चल रहा है उसमें हम सब कुछ करेंगे सिर्फ एक <coughs> वो कैब नहीं आज मैं आपके लिए कुछ अलग लेके आई हूँ थोड़ा सा ठीक है तो फटाफट -फड़ सब लोग सेशन को लाइक कर दो शेयर कर दो जो जो भी बच्चा लाइव आ रहा है क्लास में सब बच्चे सेशन को लाइक करते रहो बस स्टार्ट करने लगे हम आज का जो हमारा सेशन है टाइम नहीं वेस्ट करेंगे सिर्फ एक या दो मिनट में हम क्या करेंगे स्टार्ट कर देंगे हमारे सेशन को अभी सिर्फ 116 सेकंड्स हुए हैं स्टार्ट करे को मतलब सिर्फ अभी दो मिनट से दो मिनट भी नहीं हुए एक दो मिनट और वेट करेंगे फिर सेशन को स्टार्ट कर देंगे ठीक है जी एक मिनट और वेट करेंगे फिर सेशन को स्टार्ट कर देंगे सब लोग फटाफट से सेशन को इतने लाइक कर दो शेयर कर दो सत मनप्रीत कौर सताल एक बस स्टार्ट करने वाले हैं हम चलो जी दो मिनट हो गए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पहला देखो ये क्या है आपके एरर्स हैं आपने पहले एरर्स सॉल्व करने की इनमें से क्या एरर है ठीक है सत श्रीकाल पहला देखो द पुलिस हैव रिसीव टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैन दैट कैन हेल्प दैम सॉल्व द ट्रिपल मर्डर केस नो एरर मैम प्लीज शुरू करे करो अपने आप अप, हाँ जी मैं शुरू करते सिर्फ दो करनी है, थोड़ा कंपलसरी है ठीक मिनट हूं वेट करते तो कर दिता है, है तो की आएगा दुलिस हैल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम मर्डर केसर नो एरर ओके मोस्ट ऑफ कह रहे बी बिल्कुल करेक्ट है बी ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ बिकॉज ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾਉਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾਉਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾਉਨ ਆਪਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪੀਸ ਪੀਸਿਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾਉਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ 슈ਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰਨੀਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਅਰ ਹੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ मिसीफ हो गया लगेज हो गए काफी है जो अनकाउंटेबल नाउन है इस सारे अपने की होंगे ने अनकाउंटेबल नाउन है इज़ ऑलवेज सिंगुलर ठीक है? मिल्क, नॉलेज, दैट ऑल आर अनकाउंटेबल नाउन ठीक है जी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द फॉर्मेस्ट बिलीव अमंग द हिंदू इज दैट कर्मा अफेक्ट्स देयर लाइफ and also the life of after death no error soap different type of soap so right Sabhanani nahi kande pa sabun ya soap bilkul inya word hai manpreet the so one of the firmest belief among the hindu is that karma affects their life and also the life affects.

No, ए है बिल्कुल करेक्ट है बट फॉर्मस नहीं बिलीव बिलीव आपका क्या आएगा बिलीव आपका क्या आएगा प्लूरल uh, में आएगा क्योंकि वन ऑफ द के बाद जो भी आपका नाउन आएगा वो आपका क्या होगा प्लूरल होता है ठीक है जो भी आपका नाउन होता है वो प्लूरल होता है अब फॉर्मेस तो इसका एडजेक्टिव हुआ कि जो बिलीफ है वो क्या फॉर्म है मीन है ठीक है तो बिलीव इज अ राइट वर्ड ठीक है राइट नाउन तो बिलीव हमारा क्या है एक नाउन है तो उस नाउन से पहले आने वाला हमेशा हमारा क्या होता है एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव कभी भी प्लुरल फॉर्म में नहीं आता तो फॉर्मेस बिलीव हमारा बिलीव uh, हमारे क्या होते हैं फर्मेस्ट मतलब बहुत तगड़े बहुत स्ट्रांगली जो चीज बहुत स्ट्रांग होती है स्ट्रांग बिलीव्स होते हैं हमारे ठीक है फर्म होते हैं जो कभी भी हिलते नहीं है टिके रहते कांस्टेंट रहते हैं ठीक है ठीके? तो फर्मेस तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वन ऑफ द के बाद वन ऑफ द के बाद जो भी आपका नाउन आएगा दैट इज इन ऑलवेज इन अ प्लूरल फॉर्म तो वो किसमें होगा आपका प्लूरल फॉर्म में होगा क्लियर है जी हम्म चले नेक्स्ट पे क्लियर हो गया सबको मैं कई बार मैसेज मैम मैं कई बार मैसेज नहीं सेंड होंगे जी ता करके प्रॉब्लम है जी इस नाम चेंज किया जी ओके ओके नो प्रॉब्लम बट मुझे आप रोजी लिख लो रोजी रानी ना लिखो रोजी लिख लो अकेला ठीक है नेक्स्ट देखो द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल दैट हैड सेविंग अ चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट नो एरर द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल दैट हैड हर्ट हर सेल्फ सेविंग अ चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट नो एरर क्या है इसमें एरर देखो मैं आपको एक बात बताती एक बार जब मैंने एरर वैसे मुझे स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी काफ़ी बच्चों को तो पता है कि एरर क्या होते हैं कई बार जो बच्चे नए नए स्टार्ट करते हैं तो उनको नहीं पता एरर्स होते क्या है मैं आपको बताना भूल गई सॉरी स्टार्टिंग में एरर्स आपके वो होते हैं जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम में ये फोर ए बी सी डी या वन टू थ्री फोर करके आपको आएंगे ठीक है कई बार ई तक भी होते हैं या फाइव तक भी होते हैं आपके उसमें क्या करना है आपने एरर्स को फाइंड करना है कि देखो फर्स्ट लाइन में कोई एरर है आपका या फिर सेकंड लाइन में कोई एरर है या फिर थर्ड लाइन में कोई एरर है या फिर फोर्थ में है अगर कर, आपको एरर मिला तो आपने सिर्फ उसको टिक लगाना है उसको एक्सप्लेन नहीं करना ठीक है सिर्फ टिक लगा के आगे बढ़ जाना है अगर आपको लग रहा है कि कोई गलती नहीं है तो आपने नो एरर पे टिक लगाना है क्योंकि मुझे याद है एक बार एक लड़की थी उसको एरर के उसको नहीं पता था कि उसको ये नहीं पता था कि एरर कैसे हम फाइंड करते हैं वो आंसर देना चाहती थी बट वो दे भी देती थी बट उसको क्लियर नहीं होता था तो उसने मुझे पूछ ही लिया कि मैम एरर्स में एक्चुअल में होता क्या है ठीक है उस दिन से मुझे लगा कि मुझे ये बताना चाहिए ठीक है कि एरर्स एक्चुअल में होता क्या है तो आंसर क्या है आपका बी हैगा है दैट भी अपना पर्सनली भी यूज है बट दैट जगह अपना की आएगा बिकॉज़ स्कूल गर्ल बिफोर हु जो स्कूल गर्ल है किस तरह का एक्ट कर रही है एज अ सब्जेक्ट एड कर रही है एज अ सब्जेक्ट एड कर रही है और हैड आपका किस चीज का काम कर रहा है आपका हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो सब्जेक्ट के पहले तो सब्जेक्ट के बाद आपको पता ही है इज़ अ रिलेटिव रिलेटिव है ये कि हु के पहले अगर आपका हु के, के बाद आपकी हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी या तो फिर आपकी मेन वर्ब आएगी हु के पहले जो होगा वो एज कोई भी किसी का नाम किसी कोई भी पर नाउन, पर नाउन वो आपका हेल्पिंग वो आपका एज अ सब्जेक्ट काउंट करेगा हु के बाद हु के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का, का काम करेगा ठीक है जी हु के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का, का काम करेगा क्लियर है जी सबको क्लियर है ये चीज जिसको क्लियर नहीं है तो वो पूछ सकता है क्लियर है जी सबको चले नेक्स्ट पे चलो नेक्स्ट एज अ ड्रामेटिस्ट शाह इज अ सुपीरियर देन एनी अदर ट्वेंटी राइटर नो एरर बताओ जी एज अ ड्रामेटिस्ट शाह इज अ सुपीरियर देन एनी अदर ट्वेंटी सेंचुरी राइटर नो एरर कई बार आपका नो no एरर भी हो सकता है ये बिल्कुल मत सोचना कि आपका नो no, आपका हमेशा एरर ही होगा ओके रोजी रानी सेड ए अभी सुपीरियर टू कह रहे हो एक आंसर बताओ क्या हो सकता है एक आंसर बताना है सब लोगों ने बी नो देन बी 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 मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्लीज स्टूडेंट आप सेशन को लाइक like कर दिया करो शेयर कर दिया करो अपने सारे ग्रुप्स में ठीक है ओके हेयर इज बी आंसर, पंकज आज आपका एक फ्रेंड नहीं आया हिमांशु अगर आप आते हो तो वो नहीं आता अगर वो आता तो आप नहीं आते ये क्यों शाह इज अपीरियर देन नहीं टू क्योंकि आपके जो ओ आर वाले वर्ड्स होते हैं इनके साथ आपका क्या लगता है टू वेदर इट इज अ जूनियर जूनियर सीनियर सुपीरियर ये नहीं है कि हमेशा सुपीरियर के साथ ही टू लगता है ये नहीं है कि हमेशा सुपीरियर के साथ टू लगता है हमारा जो लगता है आई ओ आर के साथ क्या हो गया रोजी इतना शौक में क्यों भी सोच रहे हो या कैसे ठीक आईओ आर सीनियर है मतलब आईओ आर के साथ आपका टू लगता है ठीक है दैट इज अब्जेक्टिव क्लियर नेक्स्ट पे चले ऑल दो दीज बुक्स आर नॉट यूजफुल बट बट द स्टूडेंट बाय देम बिकॉज दे सीनियर्स डिड सो नो एरर बताओ जी क्या एरर है इसमें ए जल्दी जल्दी थोड़ा आंसर दिया करो सब लोग प्लीज सी ए कोई बच्चा सी कह रहा है कोई बच्चा ए कह रहा है ध्यान से देखो यहाँ पे है ऑल दो तो आंसर है बी क्यों क्योंकि ऑल दो जो है डी नहीं है सबने अलग अलग आंसर दिए बी इज अ राइट आंसर क्योंकि ऑल दो यहाँ पे क्या है बट जबकि क्या आएगा यट आएगा या फिर कॉमा आएगा बिकॉज आपको पता है वेलकम रविंदर वर्मा जी ऑल दो या फिर दो इज फॉलोड बाय या फिर या फिर कोमा सब बच्चे सेशन को लाइक कर दो यस ऑल दो अपना बट नहीं लगता ऑल दो इज ऑलवेज फॉलोड बट रिमूव हाँ या तो इसके यहाँ पे कोमा लगा दो या फिर येट लगा दो ठीक है आप काफी बच्चों को कंजंक्शन में प्रॉब्लम है उनको क्लियर नहीं है मतलब ठीक है जी जो बच्चों को कंजंक्शन क्लियर नहीं है एक बार नोट्स उठा के उनको पढ़ो ठीक है एक बार पढ़ना है ज़रूर आपने ठीक है चले नेक्स्ट पे आगे देखो चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिस्चीवियस मिसचीज एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड नो एरर बताओ children are make playing and making mischievous as their holidays have started no error क्या आएगा b b b बिल्कुल करेक्ट है b because mischievous mischiefs भी आपका क्या है अनकाउंटेबल नाउन है उाइल अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी आपका क्या नहीं आता है अनकाउंटेबल नाउन में आपका कभी भी कभी भी आपका प्लूरल uh, फॉर्म में नहीं होता ठीक है क्लियर है तो बी इज द राइट आंसर प्लीज सब लोग जल्दी जल्दी आंसर दिया करो नेक्स्ट ही वॉक्ड एस ओश यहां पे मैंने यही लिख दिया चलो इसको काट के ऊपर तो सही लिखा यहाँ पे गलत लिख दिया ही वॉकड एज फास्टर दोबारा लिख देती हूँ ही वॉकड एज फास्टर एज ही कुड सो दैट he would not miss the train to work no error he, wa he walked as faster as he could so that he would not miss the train to work no error second degree not allowed ठीक है जी पंकज ने बोल दिया कि सेकेंड डिग्री नॉट अलाउड तो बिल्कुल करेक्ट है सेकेंड डिग्री नहीं आती है आपकी एज पास्ट एज आएगा क्योंकि एज के साथ और उसके बाद एज है तो यहां पे आपकी क्या आएगी नॉर्मल फर्स्ट डिग्री आएगी ठीक है क्या आएगी आपकी फर्स्ट डिग्री एज फास्ट एज आएगा ठीक है क्या आएगा एज फास्ट एज कौन सी डिग्री होती है ये वैसे ये तो बताओ कौन सी डिग्री होती है इसको हम क्या कौन सी डिग्री बोलते हैं फर्स्ट डिग्री को पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री आएगी ठीक है जी फास्ट आपकी पॉजिटिव डिग्री है फास्ट आपकी सेकेंड फॉर्म है और कंपेरेटिव डिग्री है ठीक है फास्टेस्ट fa फास्टेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है ठीक है जी क्लियर है सबको चलो नेक्स्ट क्वेश्चन He is the best worker of the factory but unfortunately least paid. No error. आप सब लोग आज इतने शांत क्यों हो कुछ बोल ही नहीं रहे हो इतना सीरियस हो गए क्या सीरियस होना बहुत अच्छी बात है तो थोड़ा अच्छे से और जल्दी जल्दी आंसर भी दो ना ताकि आपको पता चले कि हाँ भी कुछ लग रहा है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही शांति से बस बैठे हो लगे हुए हो अच्छे से सब लोग आंसर दो फटाफट फड़ दो हाँ कुछ एनर्जी मुझे आए मुझे लग रहा है बस ऐसे ही सुस्त से पढ़े हो बैठे हो उसमें रजाइयों में कि हाँ कि बस फोन में लगे हुए कि हाँ क्लास लग गई शुरू हो जाओ आंसर देने ए बी सी डी बस ए बी सी डी देते रहते हो कभी क... कभी वन टू थ्री फोर दे दी या ए बी सी बस यही काम रह गया आप लोगों का थोड़ा सा जागो चाय चुए पी के बैठो थोड़ा सा आज तो माना कि संडे नियर आ रहा है इतना भी नहीं आ रहा कि आप लोग अभी से सुस्त होना शुरू हो जाओ धुप च बैठे, तो बैठे हैं देखो रोजी रानी तो धुप च बैठे हैं आराम नाल सी पंकज जी तो आज इतने ज्यादा सोचो में खोए हुए हैं ना इतने ज्यादा आज कोई भी आंसर सही नहीं हो रहा अगर कल आपका यस्टरडे आपके सारे आंसर सही थे तो आज आपका कोई कहीं हो रहा होगा नहीं मैं maj बड़ी तो पैसा सानू नहीं पता तू बह गए करे असता तू पे बैठ ही नहीं सकते तो देखो आ, सी इज द राइट आंसर पर से दसो काफी बच्चे ने हेलो रुपी जी हेलो तो सी इज़ द राइट आंसर क्यों क्योंकि इथे की है लीस्ट है लीस्ट क्या है अपना सुपरलेटिव डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री दे नाल अपना द आएगा ठीक है सुपरलेटिव डिग्री दे नाल अपना की आएगा द आएगा जागो मोहन प्यारो इन द फैक्ट्री नो the least paid पंकज जी खुल गई आंखें थोड़ी हां द लीस्ट पेड ही रिसीव्ड फ्रॉम हिज फैक्ट्री सब तो ज्यादा कट पे मिलया करदी सी उसनु ठीक है क्लियर है सारेनु चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द ब्लास्ट derailed the lives of many people but in an ear time living apart the victims no one remembered anything ਦੱਸੋ ਜੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦ ਬਲਾਸਟ ਡੇਰੇਲਡ ਦ ਲਾਈਫਸ ਆਫ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਬਟ ਇਨ ਐਨ ਇਅਰ ਟਾਈਮ ਲਿਵਿੰਗ ਅਪਾਰ ਦ ਵਿਕਟਿਮਸ ਨੋ ਵਨ ਰਿਮੈਂਬਰਡ ਵਿਕਟਿਮਸ ਨੋ ਵਨ ਰਿਮੈਂਬਰਡ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੱਸੋ ਜੀ ਅ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਨਸਰ ਕਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਬੀ ਐਨ ਇਅਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਅ ਇਅਰ ਆਏਗਾ ਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਅਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਈ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਦਨਾ ਪਹਿਲ ਇਹ ਆਹ ਇਅਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਨੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਏ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਰ ਹੁੰਦਾ ਯਰ ਯਰ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੀ ਯਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਰ ਯਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਪਾ ਇਹਨੂੰ ਪਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਯਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਇਜ਼ੀ ਪਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਰ ਯੱਗ ਤੋਂ ਯਰ ਯਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਯਰ ਹਾਉ ਮੈਨ ਈਅਰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹ ਨਿਪੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫੋਰਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਕਸੈਂਟ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਐਕਸੈਂਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਲਾਈਕ ਥੈਟ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਲ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਐਵੇਂ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੰਗ ਰੋਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਏਵਰੀ ਵਰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅ ਆਪਣੇ ਟੰਗ ਥੋੜੇ ਟੀਥ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟੰਗ ਰੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਐਲ ਜਿਵੇਂ ਵਰਡ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈਨਾ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੰਗ ਟਵਿਸਟ ਟੰਗ ਟਾਈਪ ਟੰਗ ਟਵਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਂਟ ਜੇ ਮਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਫੋਰਨਰਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਂਟ ਉਹਦੇ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੰਗ ਰੋਲਸ ਕਰਨੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਐਕਸੈਂਟ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚਲੋ ਯਰ ਹੈ ਯਰ ਓਕੇ ਜੋਕਸ ਅਪਾਰ ਥੇਰ appears to be very little understanding among the two brothers no error there appears to be very little understanding among the two brothers no errors apan wese zyada accent agar appa maar de na ta bahut zyada problem ho jandi hai aan wale time de vich jinna ne bahar jana honda unna layi ਰੋਜੀ ਗੈਟ ਅਪ ਰੋਜੀ ਧੁੱਪ ਚ ਵੈਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਤਸੀ ਇਸ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਅਮੰਗ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬਿਟਵੀਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕੀਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟੂ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਟਵੀਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ठीक है अमंग अपना कि लगता है अपना अमंग लगता है ठीक है क्लियर है जी चलो जी नैक्स ओके okay. जिस बच्चे ने भी वर्दी बैग ज्वाइन करना चाहता है पुलिस लिए कर सकता है ठीक है ਤਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਐਂਡ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਲਾਸਿਸ ਮਿਲ ਜਣਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ 9522 ਦੇ ਉੱਤੇ 9522 95232 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਟ ਕਰੇ ਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ आएगी ਪੰਕਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ 20 ਕੁਐਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਓਕੇ ਫॉर द ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ Idiom and phrases the idiom and phrases ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪੰਜ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ quarrel with one's bread and butter quarrels with one's Bread and butter means to fight with the executive or employer who is providing means of living, to do things wrongly, strange person to fight with the person. What is the right answer? Quarrel with one's bread and butter. Kidinal, <inaudible> Banda, Larda Chagarda had to fight with executive or employer who is providing means of living, to do some to think wrongly, strange person, to fight with the person. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਟਰ ਦਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਔਰ ਪੈਣ ਨੂੰ ਕਪੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਮੀਨਸ ਆਫ ਲੀਵਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਈਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਲੀਅਰ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲੀਏ ਨੈਕਸਟ मैड एज अच हेयर मैड एज अच हेयर मतलब मेटीरियल बेनिफिट टू कन्फेस एंड इनसे मेड एज अ मार्च हेयर मतलब मेटीरियल बेनिफिट टू कन्फेस स्पेशल समथिंग टू क्रेजी इनसेन टू मेक हैप्पी ਕੀ ਆਇਆ ਗイズ ਅਨਸਰ ਬੀ ਟੂ ਕੰਫੈਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਥਿੰਗ ਓਕੇ ਸੀ ਡੀ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੁਕੇ ਆ ਮੈਮ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਲਗਵਾਦੋ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ओके okay, बिल्कुल करेक्ट है क्रेजी एंड इनसेन पंकज थोड़ा आंसर नहीं आ रहा बिकॉज उसी किया से मैम एक रिवीजन हो जाएगी सारे ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੋ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ অর ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਰਚ ਹੇਅਰ ਮਤਲਬ ਐਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਔਰ ਐਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸੇਨ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਿ ਕੋਈ ਹਾਦਿ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੇ ਇੱਕ ਮੈਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾ ਹਾਸਾ ਹੱਸ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਐਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਕਸ ਕ੍ਰੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਨਸੇਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਯੂ ਆਰ ਇਨਸੇਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੈਨਾ ਕਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਯੂ ਆਰ ਇਨਸੇਨ ਓਕੇ ਓਕੇ ਕਰ ਲੋ ਨੋਟ ਬਟ ਅਨਸਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਠੀਕ ਹੈ मार्च हिजी एंड नहीं अगर नोट करना है सो दैट यू कैन नोट इट आफ्टर रिजल्ट हाँ आफ्टर रिजल्ट बंदा कहता है कि जो मैं नहीं करना ना अगर थोड़ा फेवरेट रिजल्ट पा, मतलब तुसी अपने फेवरेट कोर्स पास हो जाते हो दैट मीनस ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੁਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗਿਆ ਲਵ ਆਈ ਫੀਲ ਯੂ ਬ੍ਰੋ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਬੀਟਵੀਨ ਦਾ ਡੈਵਲ ਐਂਡ ਦਾ ਡੀਪ ਸੀ ਬੀਟਵੀਨ ਦਾ ਡੈਵਲ ਐਂਡ ਦਾ ਡੀਪ ਸੀ ਮਤਲਬ ਐਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ਲ ਪਰਸਨ between two difficult situations taking first step at a personal risk argument between the partners between the devil and the deep sea b b b be, b be. between two difficult situations between between the devil and the deep sea ਇੱਕ ਇਹ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਵਲ ਵੱਲ ਜਾਉਂਗੇ ਡੈਵਲ ਵੱਲ ਜਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਡੀਪ ਸੀ ਜਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੱਡੇ ਚ ਗਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਲੀਅਰੈਸ ਆ ਰਿਹਾ ਨੂੰ बी इज द राइट आंसर नोट डाउन कर लो जेड़ा बच्चा पंकज तो लावा ही अगर जीन्स बच्चे ने नोट no डाउन करना है जिनने चीजां ਤੁਸੀਂ નોટ ડાઉન karte rahoge बिटवीन पीपीएससी एंड पीटीएसपी बोर्ड आगे आगे को को हो पीछे खाई आगे कुआ पीछे खाई यस एग्जैक्ट सिचुएशन हो ही हुंदी है पलवी जी ने भी सेम ही बोलया एक पी एक पासे खाई एको वासे खड्डा एक ਤਿੰਨ ਜਨਿਆ ਨੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੀਜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੇਮ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੂਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਈ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੈਵਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਗਹਿਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ the chairman tried to get his point across but the member just wouldn't listen the chairman to get his point across To get his point across, to give them a lesson, insist on, make them understand, motivate them. What is the right answer? To get his point across. The chairman tried to get his point across, but the member just wouldn't listen. ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੂ ਮੇਕ ਥੈਮ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬਟ ਨੋ ਵਨ ਲਿਸਨ ਹਿਮ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਪਣੀ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਤੇ

अब मैं आपको बताती हूँ जितना आप किसी को बंदे को मोटिवेट करते हो अप्रिशिएट करते ना उसका काम करने का मन और भी ज्यादा करता है एज अ स्टूडेंट इफ आई एम मोटिवेटेड मोटिवेटेड यू की नहीं आप बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो बस आपको बस ये और करना है तो आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा तो एक्चुअल में आपका लेवल सच में अच्छा हो जाएगा आप कहीं ना कहीं और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दोगे ठीक है थैंक यू सो मच ओके क्या आएगा इसका आंसर फिफ्टींथ का ए वेरी गुड पे नो हीड पे नो हीड मतलब मेरे फ्रेंड ने मेरी प्रॉब्लम्स को सुनना बिल्कुल ही छोड़ दिया उसने मैंने उससे कुछ हेल्प मांगी तो ही टोटली रिफ्यूज मी मतलब पे नो no हीड उसने कुछ भी पे नहीं किया मुझे ठीक है जी क्लियर है सबको नेक्स्ट पे चले चलो नेक्स्ट चूज द अनसुना करना हाँ अं, सुन के भी अनसुना करना पे नहीं, आपको अटेंशन देनी ठीक है चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्सिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स इन फूड वन हु बिलीव इन डेस्टिनी अ वन हु बिलीव इन डेस्टिनी धन्यवाद वन हु ऑलवेज बिलीव इन डेस्टिनी जो बंदा हमेशा एक डेस्टनी पे ही यकीन करता है देखो डेस्टनी पे यकीन करना नॉट अ बैड थिंग ठीक है देखो जो भी आप अभी तक हो वो अपनी डेस्टिनी के कारण ही हो ठीक है बट अगर आप सब कुछ ही डेस्टिनी पे छोड़ दोगे कि हाँ कि देखी जाएगी मेरी तो किस्मत ही ऐसी है ठीक है आई एम ऑल्सो इन दैट फेस ठीक है मैं भी उस फेस में थी मे भी शायद अभी भी कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हर बंदा कहता है कि यार कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा या कुछ कर ही नहीं पा रही या मुझसे ये चीज़ मेरी किस्मत में हो क्यों नहीं रही है ये, ये चीज़ ठीक है टाइम आने पे मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस से एक चीज़ बता रही हूँ जितना मर्जी आप कुछ भी कर लो मेहनत आपको करनी पड़ेगी प्रे आपको करनी पड़ेगी तभी आपको वो चीज एक टाइम पे आके जरूर आपको मिलेगी ठीक है अगर आप अपनी कह रहे हो कि मुझे जॉब नहीं मिल रही नहीं मिल रही मैं इतने सालों से लगाऊ बट एक टाइम पे आपको वो जॉब आप पक्का डेफिनेटली मिलेगी मिलेगी ठीक है जो बंदा डेस्टिनी पे यकीन करते हैं उसको क्या बोलते हैं फेडलिस्ट क्या बोलते हैं सब बच्चे मोस्ट ऑफ द कह रहे हैं ए डी सी ए बताओ आंसर बताओ क्या है इसका एक्चुअल में इसका आंसर है फैटलिस्ट ठीक है इसका आंसर क्या है फैटलिस्ट डी पियास को क्या होता है जो बंदे पूरे आ, कंप्लीटली कंप्लीट फेलियर होते हैं ठीक है फ्यास को जो कंप्लीट फेलियर होते हैं ठीक है एक्सटैंपोर एक्सटैंपोर का मतलब क्या होता है एक्समपोर किसी को पता है एक्सैम्पोर का मतलब क्या होता है जो बिना तैयारी के मतलब बिना तैयारी के जब बंदा स्पीच uh, देना शुरू कर देता है दैट इज अ एक्सम्पोर फैसडिशियस जो बहुत ज्यादा नखरेबाज होता है ठीक है जो बंदा बहुत ज्यादा नखरेबाज होता है उसको हम क्या बोलते हैं फैसडीशियस घातक घातक इसको बोलते हैं नखरेबाज तो आंसर क्या है हार टू एक्सप्रेस नखरेबाज तो भाई बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होगा जिसको प्लीज करना बहुत हार्ड टू इम्प्रेस ओके हार्ड टू इम्प्रेस ओके ओके हार्ड टू प्लीज हार्ड टू इम्प्रेस बहुत ज्यादा मुश्किल होता है गुड वाली मॉर्निंग मैडम जी गुड वाली आफ्टरनून हिमांशु जी मैं अभी आपको याद ही करके हटी थी पंकज पंकज को बोल के ही हटी थी कि भैया आपका फ्रेंड नहीं आया आज चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एन इंसेक्ट विद मैनी लेग्स इज कॉल्ड आप आंसर देना जरा सेंटीपैड मैमल हार्बी बी या वटरी ब्रिड जिसकी बहुत सारी लेग्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं एक इंसेक्ट की जिसकी बहुत ज्यादा लेग्स होती है दैट इज कॉल सेंटी पैड पीड सेंटीपीड ठीक है जी ए इज अ राइट आंसर नेक्स्ट द कीलिंग जो बच्चे लेट आ रहे सेशन को लाइक करते जाओ द किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल जो बंदा पूरे के पूरे ग्रुप को ही मार देता है उसको क्या बोलते हैं जेनोसाइड जर्मिसाइड पेट्रीसाइड या सुसाइड जेनोसाइड जर्मिसाइड पेट्रीसाइड या फिर सुसाइड जीरोसाइड ये क्या लिखा है मानप्रीत आपने जीनो ए बी लिख दो यार मुझे नहीं दिखता टैक्स लगाने के बाद भी इतने छोटे-छोटे वर्ड्स मुझे नहीं दिखते जी मुझे जी ई आर ओ लिख दिखता है फिर वो बताओ जी नो इट्स ओके वो मुझे नहीं दिखता थोड़ा सा अगर मैं उसको बड़ा कर लेती मैं भी शायद वो मुझे दिख जाए एक सेकंड वेट करना ज़रा सब लोग चलो जी बिल्कुल करेक्ट है जीनोसाइड इज द राइट आंसर जो बंदा पूरे के पूरे ग्रुप को ही मार दे उसको हम क्या बोलते हैं जीनोसाइड ठीक है किसको बोलते हैं जो ऐसा सब्सटेंस जो डिस्ट्रॉय जो डिस्ट्रॉय करता है सब्सटेंस को ठीक है जर्मी जैसे आपके जर् आपके जैसे वो होते फर्टिलाइजर्स होते हैं वो जर्मी ही का ही काम करते हैं ठीक है पेट्रीसाइड क्या होता है पेट्रीसाइड क्या होता है जो क्राइम करते हैं अपने फादर को ही मारने का ठीक है किलिंग ऑफ फादर किलिंग ऑफ योर फादर इज दैट अ patricide? सुसाइड सबको पता है जो बंदा खुद ही अपने आप को मार डालता है दैट इज सुसाइड ठीक है ये फादर को मारना अपने आप को मारना ये सब चांस को मारना ठीक है जी तो जीनोसाइड जेनोसाइड इज अ राइट आंसर चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे वन हुज वन हुज नो मीनिंग्स ऑफ लिव लि जिसका रहने का कोई कारण ही नहीं है मैं आपको इसके इसके मैंने वो गलत लिखे हुए हैं इसको छोड़ दो क्वेश्चन को वैसे मैं आपको बता देती हूँ वन हु हैज नो मीन्स ऑफ लिवलीहुड उसको क्या बोलते हैं हम मैं इसके आपको ऑप्शन दे देती हूँ अगर मुझे मिल जाए तो किसी को पता है कि इसका आंसर uh, क्या हो सकता है वन हु हैज नो डी फिशियस कहा से हो जाएगा फेसिडिशियस फेटलिस्ट नहीं सही है मुझे लग रहा है मैंने गलत दे दिया इसके आंसर सही है दिए हुए हैं वो फेटलिस्ट भी ऑलरेडी आके गया हुआ फियास्को भी आके गया है सिर्फ इसका हाँ इसका आंसर ठीक है मुझे लगा मैंने गलत दे दिया गेट आइडिया मनप्रीत देखो फेडरलिस्ट भी हमने अभी किया था फियास को भी किया था शायद अभी पीछे तो सिर्फ इसका एक ही आंसर जो है सबसे अलग है इज़ अ पॉपर कंगाल जो बंदा पूरी की पूरी कंगाल हो जाता है वन हु हैज़ नो मींस ऑफ लिवलीहुड जिसका कोई भी वो नहीं होता रहने का ना खाने का ना पीने का बिल्कुल ही वो एक ऐसी लाइफ स्टेज पे पहुंच जाता है जिसका कुछ नहीं रहता उसके पास दैट इज अ पॉपर गंगाल ठीक है जी मुझे लगा कि शायद मैंने ये वही आंसर रिपीट कर दिया फैटलिस्ट पियास्को पॉपर, फैसडिशियस और, और फैटलिस्ट तो अभी पीछे आके गया ना दैट्स मीन पियास्को इज कंप्लीटली फेलियर फैसिडिशियस अभी मैंने अभी पीछे बताए हैं जो बच्चे लेट आए उनको नहीं पता होगा ये देखो कंप्लीटली फेलियर फैसडिशियस नखरेबाज फैटलिस्ट तो जिसका जो जिनको लगता है कि उसकी डेस्टिनी कॉलिन्स जिसको रोजी रोटी कोई पर... हाँ जिसको रोटी रोजी का बिल्कुल भी प्रबंध ना होवे ठीक है चले लास्ट क्वेश्चन वी हैव इज वन हु ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एक ऐसा बंदा जो कि चलता रहता है एक जगह से दूसरी जगह उसको हम क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट मैक्सम हेडरिज्म या इंटरनेट इंटनी रेंट बताओ जी क्या हो सकता है यात्री बिल्कुल ठीक है निखिल गुप्ता जो बच्चे पहली बार क्लास में आ रहे हैं ना प्लीज टाइम पे आया करो और पहली बात तो आप सबका वेलकम है सीबीसी शिक्षा में तो टाइम हमारा डेली क्लास का बारह बजे होता है इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन चल रहा है तो सब लोग टाइम पे आया करो ठीक है तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है डी डी इज द राइट आंसर जो इंटरसेप्ट होता है उसका मतलब क्या आता है जो चीज़ आपको कोई आपको रोकता है मतलब रोकना ठीक है मैक्सिम क्या होता है मैक्सिम कहावत इसमें जो मैक्सिम का मतलब है दैट इज अ कहावत ठीक है इसमें जो मैक्सिम का मतलब है वो एक शॉर्ट स्टेटमेंट होती जो जर्नली जो सच होती है कहते हैं ना कहावत मोस्टली सच होती है ठीक है कुछ कहावते होती है जो मोस्टली सच होती हैं हिंदूनिज का मतलब क्या होता है एक ऐसा लाइफ स्टाइल जो आपको बहुत ज्यादा सुख और आराम वाला लेट हो गई वाला लेट हो गई लेट दी लेट हो गए सत श्रीकाल मैडम जी गुरप्रीत कौर ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੀ ਤੋ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦਾ मीनिंग ਲਿਖਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੋ ਨਾ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 6 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲੇਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਲੀਜ਼ ਲੇਟ ਆਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ 에ਰਰਸ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਗ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੋ 12 ਵਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲੇਟ ਹੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਅਗਰ ਜਿੰਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਵੀ ਮਿਸ ਕਰਤੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਵੀ ਮਿਸ ਕਰਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਰੋਜੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਰੋਜੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਡੇ ਬੀ ਔਨ ਟਾਈਮ